आप देख रहे हो हमने यहाँ पे स्पाइरल रूट जिसको आप रूट रेनबो भी बोल सकते हो, इसको हमने साइंस के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और साथ के साथ जिसके अंदर बच्चों का इंटरेस्ट होता है आर्ट्स में उसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे रेनबो ये दिखा रहे हैं कि हम कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने नेल्स का यूज किया है, थ्रेड का यूज किया है, और यहाँ पे हमने स्पाइरल पहले बनाया इसको, उसके बाद यहाँ पे हम थ्रेड की हेल्प से जैसे रूट टू है तो हम बच्चा यहाँ से देखेगा कि रूट टू, तो रूट टू को अब यहाँ नंबर लाइन पे रख के चेक करेगा तो इस पोजिशन ऑफ द रूट टू, ऐसे ही पोजिशन आपकी होगी रूट थ्री की, तो बच्चा यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से करेगा और साथ में यहाँ पे आ रहा है रूट थ्री के ऊपर। बच्चा इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में गेन कर रहा है कि नो डाउट कि हमने लिख तो दिया ये रूट थ्री बट क्या ये एक्चुअल रूट थ्री है या नहीं, उसको हम थ्रेड की हेल्प से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और बच्चा साथ के साथ अपने बच्चे को हम भी पूछते बताओ कि ये रूट टू के ऊपर कौन सा कलर है रूट थ्री के ऊपर, तो हमने इसको एक रेनबो की शेप देने की कोशिश की है सो दैट कि बच्चे का मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे अपनी आर्ट फाइल में या अपने गेम पीरियड में जब मर्जी चाहे तो कर सकता है। तो यही था हमारा पायलट।